ఓ దొంగతనం కేసులో కొంతమంది వ్యక్తులు అన్యాయంగా తమ కుమారుని ఇరికించారంటూ మహిళ హుస్సేని ఆలం పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. एक जने देखो मैं पूरे मिलकर तुम्हारा जरा था एक जने सर बोलो आप एक जने बात करो बोलिए माइंड खेलता हर वक्त माइंड खेलता कहाँ रहते आप लोग माइंड उसका खेलना करना है उन्हें वही जाना बाजा बजा दो पैसे वैसे लुटाए वो बच्चे बच्चे क्या सोचेगी ऊपर गया भी नहीं पर आए ऊपर गया भी नहीं अम्मी मैं जी ऊपर गया भी नहीं मैं नीचे था दूसरे बच्चे मेरा नाम निकल लिए तो कौन मारा मैं नीचे ठहरे हुआ था अम्मी मैं नहीं गया नहीं आंटी कौन मारे उनको पुलिस वाले कौन सा पीएस कितने दिन से कर रही है कल तो पूरा फोन नहीं कर रहा मैं अच्छा आपका दो दिन से सुबह 10:30 बजे तू कम आ रहे जुडिशियल जो रहता ना उन्हें इंसाफ करने वाला है मार रहे बच्चे खामोशी पे बैठे आप तो बहुत ज्यादा ही चढ़ डाले नहीं पहले बुला के आप लोग बात नहीं करे फैमिली वालों को भी पुलिस वाले पहले एक बच्चा फोन करके इनको पैसे रखो भाई बोला 100 के नोटा 1300 रुपए दे ये मेरे बच्चा नहीं चुराया रखो बोला कर रखो बोल के रखो रिकॉर्डिंग भी है दिए के बोले फिर इन्होंने मैसेज डाल के बोले आके तुम्हारे पैसे ले ले लेके जाओ मैं नहीं रखता बोले तो मैं 4 बजे तक आ रहा बोले तो 12 बजे पुलिस वाले क्या गए घर पे आए आपके आपके बच्चे की उम्र क्या है 14 साल है 13 खत्म होके 14 लगे अभी क्या नाम है बच्चे का क्या करते हो स्कूल को जाते हैं कभी जाते कभी नहीं जाते खेलने में दिमाग रहता है वाले साहब नहीं है उनके अभी कैसी है बच्चे